Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खबर मध्य प्रदेश के विदिशा के गंज बसोदा से, जहां पर यूं तो पुलिस पर सुरक्षा व कानून व्यवस्था का ही जिम्मा रहता है, लेकिन इसके बाद भी एक अलग ही मिसाल देखने को मिल रही है। एक तरफ देश में कोरोना महामारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसके तत्काल बाद तभी से लोगों के घर घर भोजन की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें भोजन निरंतर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई शहर के थाना प्रभारी वीरेंद्र झा ने। वही जनता कर्फ्यू के दिन से प्रारंभ हुआ यह सिलसिला आज भी निरंतर जारी है। शहर के आसपास सभी बस्तियों में थाने में भोजन के पैकेट बनाकर वितरित किए जाते हैं। कई लोगों को सूखा राशन तक वितरित किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट तहलका इंडिया न्यूज पर रवि चौरसिया के साथ। टीमें वर्तमान में कम से कम 17 से 18 लोग काम कर रहे हैं जो पूरी ताकत लगाते हैं। वितरण किस प्रकार करते हैं आप? वितरण चिन्हित परिवार हैं जिनको हमने अन्नपूर्णा कार्ड दे रखा है, उनमें उनके सब परिवार के सदस्यों की संख्या है, उतने सदस्यों के पैकेट उनके घर पर पहुंचा दिए जाते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में सोशल डिस्टेंस एवं सुरक्षा, उस पर किस प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है? अपनी सुरक्षा सबसे पहली चीज़ है। यदि खुद की सुरक्षा कर पाएंगे तो लोगों की सेवा कर पाएंगे, इसलिए लगभग सभी कार्यकर्ता पूर्ण अनुशासन में और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ भी अगर हम कोई वितरण के लिए आता है तो उसके लिए डिस्टेंस बना रखिए, इस प्रकार से हम भोजन बांटते हैं। गंज दे के गए थे का? कितने दिन का दे गए थे? जब चलो चलो है तो हाँ, 8 दिन तक ठंडा था। हाँ, खबर नहीं है। हाँ, तो मतलब बराबर खाना आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा, दो बेर तो अच्छा आ, अच्छा आ रहा है ना। मैंने अब कहाँ से आ रहा है खाना? नई दिल्ली के मंगा। तो कौन दे के जा रहा है? पुलिस की गाड़ी आते का? हाँ, गाड़ी आते जब इतनी दो। तो अभी कितने दिन का हो रहा है आपके पास? अब 5-7 दिन हो गए। 2.5 किलो आटो है तो 1 किलो और आलू है, तो अब कल हुआ। ठीक है, आपको मिल जाए कल के बाद। ठीक है, हाँ रोज ना आ रहा हूँ। कब से आ रहा है? देखो कम से कम 20-25 दिन हो गए। कौन आता है देने? कौन आता है देने? ये मोटरसाइकिल से आ जाते हैं, गाड़ी से भी आ जाते हैं। दो जने आते हैं और पुलिस वाले कहूँगा जाते हैं। रोज सुबह शाम आ रहा है भोजन? रोज ही ना सुबह से आऊँ। तो यहाँ कितने लोगों को मिल जाता है? यहाँ 7-8 आदमी। 7-8 आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलकैया। खाने लॉकडाउन के चलते कई परिवारों को भोजन वितरण नहीं हो पा रहा था, भोजन नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद थाने से उसकी शुरुआत हुई और आज निरंतर कई समितियां बांट रही, और समितियों को भी आपके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था और आज कितने पैकेट वितरित किए जा रहे हैं? जी 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की शाम को कुछ जो बाहर जिलों के या बाहर प्रदेश से आए हुए व्यक्ति निवासों का शहर में फंस गए थे, उनकी जानकारी मिलने पर उक्त दिनांक को ही शाम को उनको भोजन उपलब्ध कराया गया और तत्पश्चात दिनांक 23 तारीख से निरंतर सुबह और शाम जो आवश्यक लोग हैं जिनको इस भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन प्रदाय किया जा रहा है, एवं कच्चा भोजन जो भोजन बनाने की सामग्री है करीब करीब 2800 परिवारों को हम लोग अभी तक दे चुके हैं और 1100 पैकेट सुबह और शाम हमारे द्वारा खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। समितियों को क्या दिया गया अभी? ये समिति कई नगर में कई समितियां भी भोजन उपलब्ध करा रही हैं, उनके लिए भी हमारे द्वारा समय समय पर जो भी सहायता होती है उपलब्ध करा दी जाती है। जब आवश्यक वस्तु जो भी बनाने में लगती है, चावल दाल आटा सब्जी या जो अन्य चीज़ें तेल, उनकी आवश्यकता होती है तो उनको उपलब्ध करा दी जाती है।